जी हाँ दोस्तों, हम ये बात बिल्कुल कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस से ज्यादा खुलासे तो व्हाट्सएप चैट ने किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जितने भी सुशांत सिंह केस के दोषी माने जा रहे हैं उनकी व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद कुछ ना कुछ नया राज सामने आता है जो कि मुंबई पुलिस अपनी छानबीन में नहीं ला सकी थी। इसी सिलसिले में सुशांत के बिजनेस मैनेजर वरुण माथुर और अकाउंटेंट रजत मेवाती के स्टेटमेंट दर्ज हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, हमारे सहयोगी मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रजत मेवाती ने आरोप लगाया है कि श्रुति मोदी सुशांत को बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाती थी। मार्च में जब सुशांत ने ऐसा करने को कहा तो श्रुति ने रिया को बुलाकर मैटर सॉल्व करा लिया, यानी कि रिया चक्रवर्ती को आगे रखा ताकि वो उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर सारी स्टेटमेंट को छुपा लें ताकि कितना लेन देन हुआ है किसी के सामने ना आ सके। काफी हैरान कर देने वाली बात है कि कितनी चालाकी से श्रुति मोदी और रिया चक्रवर्ती इस काम को अंजाम देती थी। वहीं एक और मीडिया लीडिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि सुशांत और उनके बैंक मैनेजर के बीच नए व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं। ये चैट 21 मई के हैं। इसमें सुशांत ने लिखा है कि हाय हर्ष, मैं सुशांत राजपूत हूँ, प्लीज जब हो सके फोन करना। हर्ष का जवाब है, हाय, मुझे फॉर्म पर आपके सिग्नेचर की जरूरत है, मैं किस ईमेल आईडी पर फॉर्म भेज दूं। ये कंफर्म नहीं हो सका कि सुशांत अपने अकाउंट में क्या बदलाव चाह रहे थे, यानी अपने बैंक की अकाउंट में कुछ बदलाव चाह रहे थे। ईडी फिलहाल इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन दोस्तों, बीच में खबर ये भी सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बैंक में मोबाइल नंबर जो दर्ज है उसको चेंज कराना चाहते थे ताकि उनके जितने भी मैसेज आए, रिपोर्ट्स आए, लेन देन की, वो उनकी सीधा मैसेज फ़ोन पर आए ताकि उनको पता चल जाए कौन कितने पैसे निकाल रहा है, कौन कितने पैसे डाल रहा है। वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के भाई पर शिकंजा कस लिया है। उनके साथ सैमुअल मिरांडा को भी अरेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।